तो जैसा कि आप जानते हैं, कल की डेट में एयरटेल ने अपना 5G लॉन्च कर दिया है, और आप ये सोचते हैं कि आपके सिटी में ये लॉन्चिंग हुआ है या नहीं हुआ है, वो कौन कौन सी सिटी हैं जिसमें 5G मिल रहा है, और आप अगर यहाँ पर आईफोन यूजर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके आईफोन में 5G इनेबल होगा या नहीं होगा, सारा डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। मेरा नाम है ब्रिज और आप देख रहे हैं मेरा टेक चैनल ब्रिज। टेक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को यहाँ पर लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जो डाउट हैं इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, काफ़ी दिनों से जो है 5G की टेस्टिंग चल रही थी, और सबसे पहले यहाँ पर एयरटेल ने अपना 5G लॉन्च कर दिया है, क्योंकि तीन कंपनियाँ जियो, एयरटेल और वोडाफोन, यहाँ पर BI ने अपना 5G जो है लॉन्चिंग लिए किया था, बट अभी तक किसी ने नहीं लॉन्च किया। इसके पहले ही यहाँ पर एयरटेल ने अपना 5G लॉन्च कर दिया है, बट यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही कि किस किस सिटी में लॉन्च हुआ है ये आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके सिटी नेम है इस तरह से, अगर आप इन सिटी में रहते हैं और आपके सिटी का जो नेटवर्क है इसको अपग्रेड कर दिया गया है, तो आपको ये जो है ऑप्शन ज़रूर देखने मिलेगा कि 5G आपको वहाँ पर इनेबल ज़रूर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप देख सकते हैं कि मैं आपको लिस्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी वो सिटी हैं जो 8 सिटी हैं जो इंडिया में, वहाँ पर ये लॉन्च कर दिया गया है। और सिटी नेम इस तरह से हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और बनारस में ये जो है लॉन्च कर दिया गया है इसमें 5G। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप आईफोन यूजर हैं और आपका आईफोन 11 या उससे नीचे का आईफोन है, तो आपको अपने आईफोन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें आपको 5G देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 12 या 13 या 14 यूजर हैं और यह C2 2022 वाला एडिशन अगर आपके पास है, तो आपके फ़ोन में कुछ दिनों बाद यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, या आईफोन का कहना है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, क्योंकि इंडिया के जो आईफोन हैं उनमें अभी ये ऑप्शन नहीं आया हुआ है कि आप अपने फ़ोन में जो है 5G इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं आपके सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने मोबाइल डेटा वाले ऑप्शन में जाते हैं, और अपने जब है नेटवर्क सिलेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन देखने नहीं मिल रहा है कि 5G आपको इनेबल कर सकने अपने फ़ोन में। अगर आप नेटवर्क की बात करते हैं चेक करने की, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ऑटोमेटिकली बंद करते हैं तो यहाँ पर जियो, वोडाफोन, ये सब आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बट सारे यहाँ पर 4G हैं। अगर आप इनको इनेबल करना चाहते हैं, तो आपके जल्दी ही आईफोन में नया अपडेट आएगा। अगर आप यहाँ पर 12, 13 या 14 वाले हैं, तो आपको 100% 5G यहाँ पर मिलेगा, बट कुछ दिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई फ्रेंड्स, ये नॉलेज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।